हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम सिंह और आपका स्वागत है पूनम्स किचन में। आज मैं आलू का पराठा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमने डो को तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, ऐसे ही मुलायम डो को तैयार कर लेना चाहिए आलू के पराठे के लिए। फ्रेंड्स, हमारी आलू उबल चुकी है, देख सकते हैं अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आलू को, ऐसे हाथ की सहायता से। आज हम कुछ अलग तरीके से पराठा बनाएंगे। आलू में हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। एक चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। दो चम्मच जमाइन डाल देंगे। नमक, मिर्च, थोड़ा अदरक इसमें पीस लिए हैं। नमक को स्वाद अनुसार डालेंगे। यह फ्रेंड्स नारियल का बुरादा है, इसको स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच। ताकि इससे स्वाद दोगुना हो जाएगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि अंदर तेल अगर डाल देंगे तो फिर हमारा पराठा जो है अच्छे से बेल नहीं सकेंगे, दिक्कत होगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आलू का पराठा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।